फाइनली आज वो दिन आए जा रहा है जब जंगकुक टे का हाथ हमेशा के लिए थामने वाला है, मतलब उनकी शादी का। टे कहाँ पर है? ओफ यार, तो अब तक क्या हो गया, सब ठीक है ना? हेलो मैडम। नहीं वो एक्चुअली जी, मुझे ना थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा था और कुछ नहीं। और टे, शाम के 7 बजे तुम्हारी शादी है, क्या करिए तू? हाँ जल्दी से उठ जा और अपना मेकअप शेप। नहीं, उससे पहले तुझे अपने फेस को क्लीन करना होगा। वैसे सच बताना, कौन सा प्रोडक्ट भी यूज करते तो काफी चिकनी चिकनी है। ओके, मुझे ना एक्साइटमेंट के बारे में ना बहुत ज्यादा। ओके, मैं ना अभी तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ, ठीक है? अभी यहीं पर रखना। मुझसे ज्यादा तो जीन एक्साइटेड है, पर मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है उनसे शादी करना, क्योंकि पिछली बार उनके अंदर जो आत्मा आई थी ना, मैं नहीं चाहती कि शादी के हर एक रात में उनके अंदर वैसी आत्मा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पर क्या कर सकती हूँ, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इनके अलावा शादी किसके साथ कर सकती मैं? चलते शादी की तैयारी करती हूँ मैं भी। एक मिनट, क्या बताऊंगी तुम कि बिल्ले जैसे शक्ल के आदमी मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मैडम पहली बात तो है कि मैं बिल्ला नहीं हूँ, और दूसरी बात तुम मुझे ऐसा कहना बंद कर दो, और तीसरी बात मैं तुम्हें कहीं लेकर नहीं जाने वाला हूँ। मैं अपने भाई के पास लेकर जा रहा हूँ जो कि हमारे इस प्लान का तीसरा पार्टनर है। ओके अब मुंह बंद करो, जल्दी चलो क्योंकि वहाँ पर और एक आदमी आने वाला है जो कि हमारे इस प्लान को बखूबी निभा रहा है, और वो है जेहोब। एक मिनट, मैं तो भूल ही गया था, जेहोब आखिर अब तक आया नहीं, एक हफ्ते से वो है कहाँ? ए भाई, ए जाने देना, बच्ची की जान लेगा क्या? तो एक हफ्ते से इस पेड़ में लटक कर हूँ, शर्म नहीं आती तुझे? भूखा मार डाला। आज तो तेरी या फिर मेरी, आज तो तू जिंदा रहेगा या फिर मैं। आज तो किसी भी हालत में मुझे यहाँ से निकलना होगा, वरना शेर कहीं के। और ए भालू तो भी सुन ले, मैं किसी से डरता वरता नहीं। आई एम होप फियर होप, मैं यहाँ से निकल के दिखाऊंगा, देख लेना। काफी अच्छी लग रही हो जिन, मन कर रहा है कि अभी सेकंड मूवी के लिए तुम्हें ऑफर कर दूं, क्या कहती हो? सर ओके, वैसे तुम्हारा भाई नहीं दिख रहा। सर एक्चुअली उसने कहा था कि वो अपनी फ्रेंड के साथ कहीं पार्टी में जा रहा, उस दिन से तो मुझे दिखा ही नहीं। आई डोंट नो कि कहाँ पर है वो, बट सर आप यहाँ से हटोगे? जिन तुम सच में काफी खूबसूरत लग रही हो, और क्या मैं तुम्हारे साथ एक डांस करना चाहूंगा टेकू की शादी पर? तुम मेरे साथ डांस तो करूंगी ना? सर आपको पता है ना, वहाँ काफी खूबसूरत लड़के आएंगे जो कि आप पर पहले से मरते हैं, अगर उन लोगों ने देख लिया तो जल जल कर राख हो जाएंगी। पर ये तो चाहता हूँ मैं। तुम दोनों कर क्या रहे हो मुझे बताऊंगी? सर आप इनसे पूछिए ना, डायरेक्टर साहब को लग रहा है कि लड़कियाँ इन्हें मतलब मुझे इनके साथ देख कर जल कर राख हो जाएंगी। मुझ में क्या है ऐसा, कुछ भी नहीं। और सर आप इनके साथ डांस करने की प्रैक्टिस कीजिए और मुझे जाने दीजिए, मुझे टेको तैयार करना है, शादी का मुहूर्त निकल जाएगा। ए यार एक बात पूछ, मतलब बताऊंगी कि तुम जिन को पसंद करते हो, क्योंकि वो तो सिर्फ एक नॉर्मल मेकअप आर्टिस्ट है, और तुम कहा तुम तो एक मूवी डायरेक्टर हो, तुम्हें तो ऐसे भी काफी खूबसूरत लड़कियाँ मिल जाएंगी। ओए पागल है क्या? उस जीन के साथ और मैं अपनी लाइफ सेट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता यार, मैं तो जस्ट फ्लर्ट कर रहा था। ओ सीरियसली, इसका मतलब मेरा चांस है? ए एक मिनट, वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है। ओके अब भाई तूने तो कहा था कि तुझे तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, तो मैं अपना इंटरेस्ट जमा कर देखता हूँ भाई, क्या पता जीन मुझसे पट जाए। चल शादी की तैयारी करना है हमें। ओके मुझे जिन पसंद हो या ना, पर इन्हों में तुझे अच्छे से जानता हूँ कि तू लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं करता, उसके साथ फ्लर्ट करके छोड़ देगा, और मैं जिन के साथ ऐसा बिल्कुल होने नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे पता है कि जिन का दिल किस तरीके से सॉफ्ट है, वो कभी भी इतना बड़ा धोखा नहीं सह पाएंगी। और जब तक मैं हूँ ना, तब तक तू भूल जा कमीने कि जिन तेरी होंगी। भाई ये कोरिया की सबसे बड़ी मॉडल है, और ये टेको जानती है क्योंकि
इसी का मेकअप आर्ट मतलब उस जंगकुक की मेकअप आर्टिस्ट है वो, और ये हमारे साथ मिल चुकी है और ये हमारी मदद करेंगी उस मार्मिट को पकड़ने के लिए। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना अभी तक टीम मिली नहीं है, क्या हो रहा है आखिर? शोभा तुम कुछ क्यों नहीं कर रहे हो? इन्हें क्या हो गया? डरो मत जिमिन प्लीज। भाई आप उसे डरा रहे हो प्लीज। मैं डरा नहीं रहा हूँ किसी को, और तुम जो भी हो मुझे नहीं पता और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। देखो अगर तुम हमारे प्लान में शामिल हो रही हो ना तो तुम्हें उसका अच्छा खासा मोटा पैसा मिलेगा, और जितना तुम उस फिल्म इंडस्ट्री में नहीं कमाती। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, है ना? आरएम की वजह से जिमिन को पता चल जाता है कि टे और जंगकुक की आज ही शादी है, जिस वजह से वो जेके और शुगा को ये सारी बातें बता देती है, और सारे लोग टे के शादी हॉल में निकल जाते हैं उसको रोकने के लिए। जिमिन ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हें पता चल गया, वरना मुझे कभी पता नहीं चलता कि टे मेरे अलावा किसी और के साथ शादी कर रही है। पहली बात ये कि वो तुझसे शादी क्यों करेंगी, तुझमें है क्या आखिरकार? अब हट यहाँ से, तुझे शादी रोकनी है ना, तुझसे अच्छा तरीका मुझे पता है, चलो मेरे पीछे। क्या तुम्हारा हो गया? मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। आपको बताया ना कि शादी से पहले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को नहीं देखते। मुझे पता है, पर मुझे तुम्हें देखना था। एक मिनट। जगुक सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? कोई रिवाज होता है सर, आपको वो फॉलो करना चाहिए, आप ऐसे यहाँ पर नहीं आ सकते। और टे तुमने भी अपना चेहरा कैसे दिखाया सर को? और सर आप यहाँ पर क्यों खड़े हो? प्लीज जाइए वरना आपको डंडे पड़ेंगे। जी बस एक बार बात करनी मुझे टे से। नहीं सर नहीं, आई नो कि अभी टे आपकी वाइफ होंगी, पर अभी होने की है ना, प्लीज कुछ वरना आपके बारे में सबको बता दूंगी कि आप जबरदस्ती ब्राइड के रूम में घुस गए। ओके ओके जिन प्लीज क्लाम डाउन में जा रहा हूँ। मेरी माँ टे मिलना मुझे शाम को, बाय। जिन आपने तो उन्हें डरा दिया था। टे और तुम्हें इतनी चुड़ मची है कि तुम अपने होने वाले हस्बैंड को इतनी जल्दी देखना चाहती थी? हाँ अब चलो जल्दी तुम्हें शादी की तैयारी करवाना है यार, क्या अपनी शादी में लोगों को इंतजार करवाऊंगी? अरे नहीं मैं हो ही रही थी। चलिए हमारी प्यारी टे शादी के लिए पूरी तरीके से रेडी हो चुकी थी। उसका खूबसूरत सा लंबा सा गाउन काफी खूबसूरत लग रहा था उसके ऊपर। शादी की सारी तैयारी हो चुकी थी, आज वो वक्त आ चुका था कि जब टे को आज एक होने वाले थे। अगस्त आकर खड़ा हो जाता है। टे कहाँ जा रही हो तुम? हाँ बोलो, तुम एक इंसान से शादी कर रही हो, तुम्हारा दिमाग खराब है? हाँ प्लीज मुझे जाने दीजिए। तुम ऐसे नहीं जा सकती हो क्योंकि मैंने किसी से वादा किया कि तुम उसके सामने पेश होंगी, मेरे भाई। तुम्हें पता है ना कौन है? हाँ तुम जानती हो, तुम इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो? तुम्हें पता है ना जो जैकी तुम्हारा इंतजार कर रहे, समझी तुम? चलो मेरे साथ। नहीं मेरी आज शादी में नहीं आ सकती, मुझे छोड़ो, और अगर उन्हें पता चला ना तो वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ओ मैडम उस दो कुड़ी के फिल्म स्टार, उसे क्या, उसे मेकअप के अलावा कुछ भी नहीं आता, तो तुम मेरे साथ चल रही हो। और हाँ ये मत भूलना कि मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ। जी नहीं मुझे जाने दीजिए वरना मैं शोर मचाऊंगी। जीविन जी आहा प्लीज इन्हें समझाइए मुझे यहाँ से जाना है, मेरी शादी है आज। ये क्या कहेंगी, ये तो मेरे साथ खुद मिली है ना जिमिन? एक मिनट, यार मुझे ये करना होगा। क्या हो गया जंगकुक, अब तक ब्राइड आई नहीं? जंगकुक अब तक ब्राइड क्यों नहीं आई है? हाँ
I'm sorry, फादर वो आ रही होंगी। जीन कहाँ पर है? मुझे नहीं पता, मैंने तो उसे रेडी कर दिया था, अब तक तो उसे आना चाहिए था। मैं देख कर आती हूँ। जीन, मुझे लगता है कि शायद उसकी इच्छा नहीं होगी शादी करने की। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। जंकुक सर, आप टेको, मैंने खुद अपने हाथों से रेडी किया था, वो आ रही होंगी। मैं जाकर देखती हूँ। एक मिनट जीन, मुझे पता है वो लड़की नहीं आएंगी, शायद शायद शादी से भाग गई है।